दिव्यांगों वालों अज बठिंडा दे विच कीता गया सूबा पदरी प्रदर्शन अते कीता गया बठिंडा दा बस स्टैंड जाम। दस दिए कि अपनियां मंगां नूं लैके दिव्यांगों वालों लगातार इस तों पहलां पंजाब सरकार दे नाल राबता कायम कीता जा रहा है, लेकिन उन्हां दीआं मंगां नहीं मन्नी गईआं, जिस नूं लैके अज उन्हां वालों बठिंडा दे अंबेडकर पार्क विखे जिथे भुख हड़ताल शुरू की, उस तों बाद वो बस स्टैंड तक इत्थे रुड़ के गए तो उत्थे जाके उन्हां वालों बस स्टैंड जाम किया गया। देख लो तुसीं बठिंडा दे बस स्टैंड के नेड़े दीआं जिथे अज दिव्यांगों वालों रुड़ के ये सारा प्रदर्शन किया जा रहा है, भावें पुलिस वालों बैरीकेड लगा के उन्होंने रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो फिर भी इतों अगे निकल गए हैं। देख लो तस्वीरों के बठिंडा के बस स्टैंड के बाहर दूसरों दिखा रहे हैं तस्वीर जिथे अज दिव्यांगों वालों एक अनोखा प्रदर्शन किया गया, उन्होंने वालों जिथे अपने मंगों में लगे प्रदर्शन कर रहे सन तो उन्होंने पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उतों वो लंघते हुए अगे दिखाई दते। मेरा नाम किरणजीत कौर है, बठिंडे तो मैं राष्ट्रीय दिव्यांग एसोसिएशन की सीनियर मैंबर हाँ। तो जो असी अज रोस मजाज कर रहे हैं, असी अपनिया मंगा जो सरकार को मंगाने वास्ते असी रोस मजाजा कर रहे हैं। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮਰਨ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ ਕੇ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 1500 ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 5000 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 4% ਕੋਟਾ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡਾ 8% ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 920 ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਾਈਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪੋਸਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 1500 ਤੋਂ ਸਾਡੀ 5000 ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਆਈ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਜੰਡਾਲੇ ਤੋਂ ਜੀ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਲੱਖਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਵੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਮਲੋਟ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮਲੋਟ ਦੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਾਂਗਾ ਸੀਗੀਆਂ। 4% ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 10% ਕੋਟਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ ਉਹ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੇਜ਼ਗਾਰ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹ ਜੀ ਡਿਊਟੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਤੇ ਜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 100% ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੀ ਟਿਕਟ ਲੱਗੂਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ 100%
एक असी सर्टिफिकेट विखा के भी प्राइवेट वाले अद्धी टिकट लेंदे आ सतों भी ये कितों का अधिकार आ जी सानू दस दिओ। एक पासे सानू सरकार कह रही आ भी असी दहराज सहूलत दे रहे हैं, सानू बड़ी आस सीगी असी कालिया तो अक गए सी, कांग्रेस तो अक गए सी, सानू एक बड़ी उम्मीद जापी जापी सी भी असी ये सरकार तो सानू कोई लाभ होगा। गल कर ये भी सरकार एक वेखो जी अपने थाना नहीं वाले दे विच चुच बैठिया मैडम है, वेखो हैंडीकैप्ट कोई काम कराउन नहीं जा सकता, वो मैडम ने साड़ी इन्नी बेइज्जती की बाहर खड़ के एडे फिल्म वाले रोल कर दिया उत्तों डरावे मार दिया सानू कि मैं अरजीत रमाणे दी गुरु, अरजीत रमाणा मेरा गुरु है, उहदी चेली हाँ मैं, अके सानू उत्थे सानू एडी बेइज्जती करके उन्हें थाने चो कढ़िया। इस दे गवाह जगजीत सिंह जोगा जी अज जी साड़ियां मंगा सिंगा भी साडा बैंक लोक जिहड़ा बैंक रोड है वह साडा पूरा किया जाए, साडियां जिहड़ियां हक्की मंगा जायज़ मंगा पूरियां कीतियां जाण, जे भगवंत मान आपदे मूहों साडियां मंगा पूरियां करूगा तो असीं इह धरना चक्कांगे नहीं, असीं मरन वरत ते बैठे हाँ, असीं भुख हड़ताल ते बैठे हाँ। अज जी असीं प्रदर्शन किया गा, असीं रुड़ के उत्थों भाई जी बुत तों रुड़ के इत्थे अड्डा जाम किया गा, इत्थे आपदी मंग रखी है, आपदा रोस प्रदर्शन किया, साढ़े लखा जी ढिले पे आ प्रधान, असी उन्हूं पानी तो नहीं पी सकते, असी भुख हड़ताल से बैठे हैं, असी मरन वरत रख्या होया, जे भगवंत मान की सरकार साडियां मंगा नहीं पास करूगी जां भगवंत मान नहीं ध्यान देगा तो असी आपदा मरन वरत इस तरह जारी रखांगे। देखो जिहड़ियां मंगा उन्होंने अज रखियां है, एक तो असी सारियां मंगा जिहड़ियां हैगियां वो जिला प्रशासन के वलों पंजाब सरकार नूं जरूर पहुँचावांगे। दूसरी गल जिहड़ी हैगी है कि लोकली जिहड़ा हैगा सारा प्रशासन दे विच असी सपोर्ट भी इन्हां दी करदे हैगे हैं, सारे दफ्तरां दे विच पहल दे आधार ते इन्हां दे जिहड़े कम है वह सारे किए जाएंगे और सब तो जिहड़ी प्राथमिकता है वह दिव्यांगां नूं जरूर दित्ती जाएगी। इस गल का आश्वासन जिहड़ा मैं उन्हां नूं हुणे ही दे सकदी हां। बिल्कुल जिहड़ियां मंगा साडे पद्धर ते पूरियां कीतियां जा सकदियां जी वो असी अपने पद्धर ते पूरियां करांगे और जिहड़ियां उत्ते तक पहुंचाउण वालियां वो असी पंजाब सरकार नूं पहुंचावांगे। देखो मैं तो समझदी हां भी ज़्यादा देना चाहिए सो इन्हां नूं पहल दे आधार ते जिहड़ा हैगा वो इन्हां दा काम भी करना चाहिए, सो सारी सपोर्ट साडी दिव्यांगा दे नाल होनी चाहीदी है। सो दोबारा भी मैं सारे प्रशासन वालों जिहड़ा हैगा इन्हां नूं अज आश्वासन दबाया है कि मान सम्मान भी दिता जाऊगा और प्राथमिकता ते जिहड़ा हैगा थोड़ा काम भी किया जाऊगा। देखो मेरे वालों बेनती यह की गई है कि भुख हड़ताल ना की जाए क्योंकि प्रशासन वालों आपदे उपराले किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी असी जिहड़ा हैगा मानयोग जी साहब दे नाल गल करके सो इस मसले का जिहड़ा हल करते हैं जी। थैंक यू।